उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिपक्षीय पंचायत चुनाव हैं, तमाम व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देना है। क्या कुछ उत्तर प्रदेश में व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया है, इसी तमाम विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी हैं, जिनसे जानते हैं। सर, किस तरह का इस चुनाव है, चुनाव में क्या निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? ये जो पंचायत चुनाव होने हैं, चार चरणों में होने हैं। 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें थोड़ा परिवर्तन है। पहले एक जिले में ही चार चरणों में होते थे, लेकिन अब एक जिले को एक बार में हम लोग ले रहे हैं, और उसके लिए फोर्स के व्यवस्थापन के लिए या फोर्स का क्या मानक होगा इत्यादि सभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और इसकी पूरी तैयारी कर दी गई है। फोर्स कहाँ से जाएगा इसके बारे में भी हमारे जितने भी जिले हैं अब उनको बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी निरोधात्मक कार्रवाई होती है, जैसे कि शस्त्र जमा करना, अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई 107-16 किया जाना, गुंडा एक्ट में बदर जिला बदर किया जाना, या गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना, या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को बाउंड डाउन करना इत्यादि सभी शामिल हैं। ये पूरे जोर शोर से चल रहा है, जिसका अनुश्रवण प्रतिदिन पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा स्वयं किया जाता है, और जो प्रथम चरण के चुनाव होने हैं उनका नामांकन समाप्त भी हो गया है, और अब सारी विधिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, और लगभग हम 50 कंपनी पीएससी और 10 कंपनी पारामिलिट्री लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे ज़िले की फोर्स है, होमगार्ड है, पीआरडी है, विलेज चौकीदार हैं, ये सभी चीज़ें का व्यवस्थापन चुनाव के दिन होगा। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, और मतदान के बाद से मतपेटिका जहां रखी जानी है उसकी सुविधा कैसे रखी जाएगी, वहां क्या व्यवस्था होगी, या उसके बाद से जब मतगणना होगी तो मतगणना के समय क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सारे निर्देश अभी से ही हमारे जितने भी जिले हैं, रेंज हैं, जोन हैं, कमिश्नरी हैं, सबको दे दी गई है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी येलो प्रशांत कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये पंचायत चुनाव है इसमें चुनौती जरूर है, लेकिन व्यवस्था को पूरी तरह से मूर्त रूप दिया गया है। कैमरामैन रियाज के साथ उमेश मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ।